बच्चे हमारे लिए वो हैं जिनके आसपास हमारी पूरी दुनिया घूमती है। लाख शिकायतें हों कि ज़िद्दी हैं, मानते नहीं, लेकिन फिर भी उनकी ज़रा सी तकलीफ हमें बहुत तकलीफ़ देती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। आज का टॉपिक बहुत ही इमोशनल एंड इंटरेस्टिंग है। आप सबकी रिक्वेस्ट पे आज मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी, जिसकी वजह से मैं अपने बच्चों के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाने में सक्सेसफुल रही। लेट्स सी ये वीडियो आपके कितने काम आ सकती है। सो बच्चों के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे रहें, ये तो हम सब चाहते हैं, लेकिन इसके लिए एफर्ट कितना करते हैं, इसका जवाब शायद थोड़ा मुश्किल लगे, क्योंकि इस डिजिटल वर्ल्ड में रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए टाइम की कमी पेरेंट्स और बच्चों दोनों के ही पास लगती है। जो टाइम हमें एक दूसरे को देना चाहिए वो इन गैजेट्स ने ले लिया है, क्योंकि हमें एक दूसरे के साथ समय बिताना उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता जितना मोबाइल फ़ोन पर बिताना लगता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, जिन चीज़ों के साथ हम ज़्यादा वक्त बिताएंगे उनके साथ ही हमारी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी होगी, फिर चाहे वो कोई मटीरियल ही क्यों ना हो। बच्चों के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे रहें, शायद इसका ख्याल काफ़ी पेरेंट्स को बच्चों के टीन एज में पहुंच जाने के बाद आता है, क्योंकि जब वो छोटे होते हैं तब तो कभी उन्हें फोर्सफुली सुला के तो कभी उनके हाथ में कोई गैजेट पकड़ा के हम उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश में रहते हैं, क्योंकि तब हमारी प्रायोरिटी बहुत से दूसरे काम होते हैं। और जब टीनेज में पहुंच के वही सेम चीज़ें बच्चे हमारे साथ करते हैं, मतलब हमसे ज़्यादा प्रायोरिटी वो इन्हीं गैजेट्स और दूसरी चीज़ों को देते हैं, तब हमें बहुत तकलीफ़ होती है। बच्चे डिसिप्लिन्ड हों, केयरिंग हों, सोशलाइज हों, ये सब बातें कुछ हद तक उनकी नेचर पे डिपेंड करती हैं, लेकिन काफ़ी हद तक हमारी परवरिश पे भी करती हैं। मैं यहाँ किसी भी पेरेंट की परवरिश पे क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हर पेरेंट अपने बच्चों के लिए बेस्ट ही करता है। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की केयर ना करते हुए हम उन्हें अच्छे से अच्छा लाइफस्टाइल देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो देना चाहिए वो देने में शायद थोड़ा चूक जाते हैं, और वो है समय। अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आज दोनों पेरेंट्स को काम करना पड़ता है, घर हो या बाहर, दोनों की टेंशन के बाद बॉडी और माइंड अलाउ ही नहीं करता कि बच्चों के साथ कुछ वक्त बिताया जाए। सो मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत सारा वक्त बच्चों को दें, बट ये ज़रूर कहूँगी जितना भी वक्त दें वो टाइम क्वालिटी टाइम होना चाहिए। और कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी सुनाए, छोटे छोटे बच्चों की फिजूल की बातों को भी जब हम बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं और अच्छे से रिस्पॉन्स भी करते हैं, तो हर बात को हमारे साथ शेयर करना उन्हें बहुत कंफर्टेबल लगता है। फिर चाहे टीन एज आए या अडल्ट एज, वो आपके साथ अपनी चीज़ें शेयर करना तब तक बंद नहीं करते जब तक हम उनकी बातों में ओवर एक्ट करना शुरू नहीं कर देते। क्योंकि होता यही है, जैसे ही बच्चे टीनेज में आते हैं तो हम उनके लिए ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और हर बात पे उन्हें क्रिटिसाइज़ करना, दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। बिना उनकी एज और उस एज में होने वाले एक्साइटमेंट को समझे हम खुद बच्चों से भी ज़्यादा अग्रेसिव होने लगते हैं। वी शुड अंडरस्टैंड कि ये उनकी लाइफ का एक फ़ेज़ है जो एक टाइम के बाद निकल जाएगा, सो प्लीज़ कोऑपरेट विद देम इंस्टेड ऑफ़ इंसल्टिंग और अब्यूजिंग दैम। बिहेव लाइक कि आप उन पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, और यकीन माने आपकी कंटिन्यूस गाइडेंस हो तो उनको कुछ हार्म नहीं हो सकता। सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि आप भी अपने इमोशंस बच्चों के साथ शेयर करें। जिस एज में जो बातें बच्चे समझ सकते हों वो उनके साथ शेयर करने में बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें, क्योंकि उनकी हर छोटी बड़ी क्यूरियोसिटी को जितनी समझदारी से आप क्लियर कर सकते हैं उतना कोई और नहीं। अगर आप उनके किन्हीं सवालों के जवाब देने में शर्म महसूस करेंगे तो उनके जवाब वो कहीं और से पता करेंगे, जिससे वो मिसगाइड भी हो सकते हैं। सो प्लीज़ डोंट फील शेम टू डिस्कस सर्टन थिंग्स एट एन अप्रोप्रिएट एज, इससे वो आपके और भी क्लोज आ जाएंगे। बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए कोई फन वे गेम्स खेली जा सकती हैं, उनके साथ मजाक करते रहें, किसी भी काम में उनकी हेल्प लेते हुए भी बहुत सी कन्वर्सेशन की जा सकती हैं। उनके साथ शॉपिंग पे जाएं, स्पेशली ग्रॉसरी शॉपिंग, जिससे कि टाइम स्पेंडिंग के साथ साथ बच्चे कुछ लर्न भी करते हैं। दिन का कोई एक मील पूरी फैमिली साथ में बैठ के खाएं, ये लाइफ के बहुत वैल्यूएबल मोमेंट्स होते हैं। जब तक बच्चे आपके साथ हैं, आपके पास हैं, इन पलों को भरपूर जी लें। और जहाँ तीन पीढ़ियाँ एक साथ बैठ के खाती हों, मेरे ख्याल से वहाँ रिश्ते कभी कमज़ोर नहीं पड़ते।
वॉच मूवीज़ विद योर चिल्ड्रन. मेरे बेटे को हॉलीवुड सस्पेंस एंड कॉमेडी मूवीज़ बहुत पसंद हैं एंड बाय चांस वो मूवीज़ मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं, तो कई बार उसके साथ मूवी नाइट प्लान करती हूँ एंड वी बोथ इन्जॉय दोज मोमेंट्स. और ये यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी जब वो बड़ा हो जाएगा और हो सकता है अपने करियर के लिए कहीं और सेटल भी हो जाए, लेकिन कोई भी रीज़न मेरे बच्चों के साथ मेरी बॉन्डिंग को वीक नहीं कर सकता. टाइम स्पेंड करने के साथ साथ उनकी चॉइसेस को रिस्पेक्ट करना भी इम्पॉर्टेंट है. बार बार उनकी पसंद की चीज़ों में नापसंदगी दिखाना उन्हें हमसे दूर कर देता है. नेवर इंसल्ट योर चिल्ड्रन बाई यूजिंग बैड वर्ड्स. ये एज ही ऐसी है, इस एज में बच्चे बहुत इमोशनल हो जाते हैं, सो कभी भी रिस्पॉन्ड करने से पहले उनकी पूरी बात ज़रूर सुने. फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जाना हो या स्कूल और कॉलेज ट्रिप पे या फिर कोई और डिमांड ही क्यों ना हो, पेरेंट्स कई बार आधी बात सुन के ही नो बोल देते हैं. प्लीज़ डोंट डू दैट. उन्हें अपनी बात पूरी करने दे, अदरवाइज़ वो बहुत इंसल्टेड फील करते हैं. उन्हें लगता है कि वो सिर्फ एक चीज़ हैं जिन्हें दूसरों द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है. नो बोलने के लिए भी आपके पास कोई सॉलिड रीज़न होना चाहिए, अदरवाइज़ लेट देम लिव देयर प्रीशियस मोमेंट्स ऑफ लाइफ विद देयर फ्रेंड्स. उन्हें उनकी लिमिट्स समझाने के लिए आपको उनके अंदर डर पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है. यूज़ क्वालिटी ऑफ वर्ड्स टू गाइड देम. बच्चों के साथ अपनी क्लोजनेस बनाए रखने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि उनकी छोटी से छोटी अचीवमेंट के लिए उन्हें खुल के अप्रिशिएट करें बाय हगिंग एंड किसिंग देम. वो किसी भी एज में चले जाएं, पेरेंट्स के लिए वो हमेशा बच्चे ही रहते हैं. आपका कंटिन्यू सपोर्ट एंड अप्रिसिएशन उनके दिल में आपके लिए प्यार और रिस्पेक्ट हमेशा बनाए रखेगा. हर बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी होती है, सो दूसरों के साथ कम्पीट करने के लिए उन्हें कभी फोर्स ना करें. लेट देम मेक देयर ओन टारगेट्स. मैंने हमेशा अपने बच्चों को खुद से कम्पीट करने के लिए मोटिवेट किया है, ना कि किसी और के साथ. दे बिलीव टू ब्रेक देयर ओन रिकॉर्ड्स, क्योंकि दूसरों को पीछे छोड़ने का प्रेशर इतना हाई होता है कि लाख चाहते हुए भी आप बेटर परफॉर्म कर ही नहीं सकते. बच्चों के साथ अच्छे रिलेशंस रखने के लिए उन्हें स्पेस देना भी ज़रूरी है व्हेन दे नीड इट. लेट देम टेकल देयर प्रॉब्लम्स, इससे वो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट बनेंगे. हम पेरेंट्स हैं, बच्चों की बॉडी लैंग्वेज से ही हमें पता चल जाता है अगर वो अपसेट हैं या किसी प्रॉब्लम में हैं. मेरे बच्चे मुझसे हर चीज़ शेयर करते हैं, और कभी कुछ शेयर ना भी करना चाहें तो मैं उन्हें फोर्स नहीं करती, बट टाइम टाइम पे रिमाइंड ज़रूर करवाती रहती हूँ कि उनकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सलूशन उनके पेरेंट के पास ना हो. यहाँ मैं सभी टीनेज बच्चों को कहना चाहूँगी कि आपसे कितनी भी बड़ी मिस्टेक हो जाए, आप कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में ही क्यों ना हो, हमेशा याद रखें आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन किसी और के पास मिले या ना मिले, आपके पेरेंट्स के पास ज़रूर मिलेगा. आई रिक्वेस्ट टू ऑल पेरेंट्स, प्लीज़ अपने बच्चों को अपने ही घर में एक डर का एनवायरनमेंट नहीं बल्कि ऐसा खुला माहौल दें जिसमें उन्हें अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी हो, क्योंकि रिस्पेक्ट और प्यार से तो हम सारी दुनिया जीत सकते हैं, ये तो फिर हमारे बच्चे हैं. लेकिन डर में पले बड़े बच्चे कभी अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते और एक टाइम के बाद वो बहुत ज़िद्दी और एरोगेंट बन जाते हैं. अपनी समझ के अकॉर्डिंग जो मैंने आपके साथ शेयर किया वो मेरा एक्सपीरियंस था. Please do like and share this video if you think it is beneficial for you. And do subscribe if you are new on my channel. See you in the next video. Till then, bye. Take care and stay healthy.